हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पिता। आज जिस के बारे में हम बात करेंगे वो है फर्टिलाइज़र बनाना, वो भी राइस वाटर से। जब हम घर में चावल बनाते हैं तो चावल बनाने के बाद हम उसका फेंदना जो रहता है उसको हम फेंक देते हैं, तो वो जो वेस्ट निकल रहा है उसको यूज़ करके हम एक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। ये 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होगा और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है प्लांट्स को। तो उसको हम कैसे बनाते हैं, तो भात का जो फेन है उसको हम निकाल लेंगे। मैंने इसमें एक मग में निकाल लिया है, ये एक दिन या दो दिन का फेन आप निकाल सकते हैं एक साथ में। और उसके बाद जिस भी बाल्टी में आप अपना फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हो उस बाल्टी में आप इस ऑर्गेनिक राइस वाटर को डाल दीजिए। जितना आप राइस वाटर डाल रहे हैं आप उतना ही पानी डाल के इसको दो दिन ढक के रख दीजिए। बस और कुछ नहीं करना है आपको। जो भात का माड़ है उसको आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद उसको आप मेजर कर लीजिए। हाँ, ठंडा करना ज़रूरी है। ठंडा करने के बाद आप अपनी प्लास्टिक के बाल्टी में डाल दीजिए जिसमें आपको मैनवर बनाना हो, और उसमें उतना पानी डाल दीजिए जितना आपका भात चावल का माड़ का था। अब इसको और कुछ नहीं करना, इसको ढक के रखना है। अब अगर आप वीक में एक बार अपने प्लांट्स को ये डाल रहे हैं तो सफिशियंट है, पर अगर आप पूरे वीक में एक बार ही अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र्स डालते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा सरसों की खली डाल के रख सकते हैं। क्योंकि मैं वीक में दो तीन बार अलग अलग टाइम पे अलग अलग डालती हूँ, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। दो दिन रखने के बाद तीसरे दिन इसको डाइल्यूट करके यूज़ करना। एक बार और देख लीजिएगा, जिसमें भी आपको डालना है या जिसमें बनाना है उसमें पहले भात का माड़ डाल दीजिए, फिर उतना ही पानी डालिए और उसको ढक के दो दिन रख लीजिए। और उसके बाद जब आप यूज़ करेंगे तो एक लीटर को 10 लीटर पानी में डाइल्यूट करना है, और डाइल्यूट करने के बाद यूज़ करना है। हर एक प्लांट में आप इसको डाल सकते हैं, कि ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जिसमें आपको ये नहीं डालना है। ये अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, और मिनरल आयंस बहुत अच्छे होते हैं, और ये प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो ये विदाउट एनी कॉस्ट आपका फर्टिलाइज़र है। अगर आप इसको वीक में दो बार भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये प्लांट को हेल्प ही करता है, कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। याद रखिएगा, डाइल्यूट करके यूज़ करना है। दो दिन के बाद एक लीटर इसका लेके 10 लीटर पानी में डाइल्यूट करके फिर आप इसको यूज़ करिएगा। स्टे ट्यून्ड आगे की वीडियोस के लिए। और ये है मेरा अभी दो दिन के बाद का फर्टिलाइजर्स। थैंक यू।